देश भर में 12 अक्टूबर रविवार को धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया गया। सीमा पर तैनात भारतीय सेना ने भी दिवाली का जश्न मनाया। दिवाली के खास मौके पर एक खूबसूरत तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आई, जहां भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली मनाई। भारत बांग्लादेश सीमा से अमर उजाला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जवानों ने कैसी दिवाली मनाई। आपको बता दें कि यहाँ चुनौतियाँ कम नहीं हैं। इसके बाद भी बीएसएफ जवानों का हौसला सातवें आसमान पर है। आज भी बांग्लादेश से मानव तस्करी, घुसपैठ और पशु तस्करी हो रही है। क्यों हो रही है और इसका समाधान क्या है, अमर उजाला ने इसे जानने की कोशिश की। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर 24 परगना जिला रनघाट पश्चिम बंगाल सीमा पर अमर उजाला ने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई और परिस्थितियों के साथ साथ चुनौतियों को भी जाना। यहाँ चुनौतियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस लंबी सीमा में कई जगह फेंसिंग है, तो कई जगह यह सीमा ओपन है। कई जगह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बांटती है, तो कहीं पर खेत में लगे पिलर हैं। कई जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में रात के अंधेरे में बांग्लादेश से बहुत आसानी से तस्कर और लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं। बांग्लादेशी दलाल इन लोगों को आसानी से भारत की सीमा में प्रवेश करा देते हैं। भारतीय सीमा में बॉर्डर के साथ ही आबादी शुरू हो जाती है। ये तस्कर सीमा पार करके इन इलाकों में छिप जाते हैं। अगर भारतीय सीमा से आबादी को 150 गज पीछे कर दिया जाए तो तस्करी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय सीमा पर घनी आबादी है। इस आबादी को सीमा से 150 गज पीछे किया जाए, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी जगह लाइट की व्यवस्था हो और पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग की जाए, इससे घुसपैठ को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इसे मानव तस्करी, घुसपैठ और पशु तस्करी को रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। अमर उजाला की इस खास रिपोर्ट में भारत बांग्लादेश सीमा से चुनौतियां सामने आई। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए भारतीय सेनाओं के बीच पहुंचे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा गाँव में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों और भारतीय सेना को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।